गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह सुबह हो रही है, 6:30 बज रहा है अभी देखो यहाँ पे, और ऐसा लग रहा है बिल्कुल बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी हो रहा है भाई सुबह सुबह तो यहाँ पे, मतलब मुझे तो लग रहा है कि जैसे अभी शाम वाम रात वात हो रही है, लग रहा है कि देर से होने लगा है भाई। अब सुबह सुबह जो है ना, अब सनराइज़ वगैरह काफ़ी देर से होता है। और भैया सुबह उठे तो जो है सबसे पहले तो कनाडा वाली, वो इंडिया कनाडा वाली न्यूज़ पड़ी यार, क्या ख़तरनाक माहौल चल रहा है, ये लोग तो खूब लोग मरवा दिए हैं यहाँ पर इन लोगों ने, क्या होगा अभी। जैन इंटेक वाले भैया थोड़ा सा आप लोगों को देखना पड़ेगा, वैसे मुझे लगता है मुश्किल हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि जैन इंटेक के लिए मुश्किल हो सकता है अभी ये वाला इंटेक। लेट्स सी क्या डेवलपमेंट होता है, जो ऐसा भी होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी तो खैर काम पे जा रहा हूँ मैं, और आप लोग से मिलता हूँ, थोड़ी सी रोशनी बहुत कम है, बाद में वीडियो बनाते हैं फिर, है ना। ये देखो गाइस, मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का, लेकिन कल मैंने ये मोमोज बनाए थे और आज अभी स्टीम किए हैं, होपफुली अच्छे हों, काश। और ये जो है अपनी डिप बनाई है, वैसे तो मोमो वाली चटनी बनानी थी बट अभी टाइम नहीं है, कॉलेज जाना मुझे, तो इस वजह से देखो कैसे बढ़िया लग रहे हैं स्टीम मोमोज, बटर वगैरह लगा के ऊपर से। तो दोस्तों उस दिन के बाद कुछ ऐसा हो गया था, मतलब कुछ ऐसा हो नहीं गया था सॉरी, कुछ ऐसा परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि मैं वीडियो बना ही नहीं पाया, मतलब वही नाइट वो मॉर्निंग वाली शिफ्ट और उसके बाद थोड़ा बहुत काम था, और भी इधर मैं कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ, मैं आपको फ्यूचर में अपडेट दूंगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक दो वीडियोस आने वाली हैं, हो सकता है आप लोगों की हेल्प हो जाए। सितंबर इंटेक लोग वाले के लिए मैंने सोचा था एक वीडियो शूट करूंगा कि अकोमोडेशन से रिलेटेड अपना एक्सपीरियंस, बट वो यार हो नहीं पाया, कुछ ऐसी बन नहीं पाई बात, लेकिन हाँ अब करेंगे। और हाँ भाई, बहुत लोग टेंशन में इस चीज़ में कि क्या नाम है, इमिग्रेशन पे क्या असर पड़ेगा जो इंडिया कनाडा के बीच में चल रहा है। तो आज की स्थिति ये है कि कंडीशन इतनी ठीक तो नहीं है, बट इंडिया ने जो है सस्पेंड कराए हैं वीज़ा कनाडा के, अब लेकिन कनाडा के ऊपर प्रेशर है क्योंकि उनको तो इमिग्रेशन चाहिए, विदाउट इमिग्रेशन उनका काम चलता नहीं। तो लेट्स सी कैसे डेवलपमेंट होता है, और फ्यूचर में मैं कोशिश करूंगा, वैसे तो मैं इन सब चीज़ों पे ज़्यादा कमेंट करता नहीं हूँ, बट कोशिश करूंगा अगर मैं इस पे एक वीडियो बना सकता हूँ तो मैं ज़रूर बनाऊंगा कि आपके जैन इंटेक वालों के लिए क्या असर पड़े। और मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि भाई आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करिए, और मेरा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है अगर आप लोगों को नहीं पता है साउथ कैंपस का, तो अगर आप साउथ कैंपस में तो ज़रूर उस लिंक को ज्वाइन करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो अभी तो भाई ये सीन है, और बाकी अभी सुबह से थोड़ा बहुत चल रहा था, अभी 4 बजने वाला है और मुझे थोड़ा बहुत काम पेंडिंग है, अभी आज घर की सफाई वगैरह थोड़ी बहुत करनी थी वो कर दी है, और अब करने जा रहे हैं ग्रास की सफाई, मतलब जो बाहर का बैकयार्ड वगैरह होता है ना उसको एकदम कटिंग शटिंग चलने वाली है अब, तो अब जो है जा रहे हैं आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए अभी ग्रास इतनी है, अभी ऐसे कैमरे में दिख नहीं रहा लेकिन ये अच्छी खासी बड़ी ग्रास है, मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ जमीन से व्यू दिखाता हूँ कितनी है ना। और इसको ना हमको कटिंग करनी है, जैसे मैंने ये थोड़ा सा ऐसे ही चलाया था ऐसे कंपेयर करने के लिए कि देखो होनी इतनी चाहिए छोटी लेकिन है इतनी बड़ी अभी, ये देखो। तो अभी इसको पूरा निपटाते हैं और आपको दिखाते हैं इसके बाद कि भाई ये कैसा लगता है। अभी देखो ये है बिफोर, अब आपको दिखाएंगे आफ्टर। अरे नहीं नहीं, आफ्टर तो आया नहीं, अच्छा ये इसलिए नहीं आया क्योंकि हम आपको दिखाने वाले, ये होता है देखो, ये ग्रास कटर होता है यहाँ पे, इसको लॉन मूवर भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है, यहाँ पे पेट्रोल डालते हैं और उसके वजह से एक दो बार ऐसे यहाँ पे पंप ऐसे करते मारते हैं इंजेक्शन के लिए, और उसके बाद अभी हम इसको स्टार्ट करके फटाफट चलाते हैं और आपको ऐसे छोटा सा एक टाइम लैप्स दिखाते हैं अगर बन पाता है कि कैसे कटिंग चलती है ग्रास की। ये देखिएगा ये है आफ्टर का, बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है क्रिकेट का मैदान हो गया है कि नहीं। और ये है पेड़, अपने जैसे पानी डाल दिया, साथ ही साथ देखो ये देखो क्या हुआ, अबे है ना बिल्कुल ऐसा लग रहा है किसी ने रंग दिया है, बिल्कुल ग्रीन कलर का हो गया, मेरे पास से बिल्कुल ग्रास महक रही है, देखो पूरा एकदम लग रहा है होली खेल के आया हूँ ग्रीन कलर की। तो चलो भाई हो गया ग्रास कटिंग, अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो भाई दोस्तों नहा धो चुके हैं भाई, बहुत जो है थक भी गए थे, थोड़ा सा पसीना वगैरह आ गया था, और बाकी वो पैर वैर मैंने दिखाया ना बिल्कुल ग्रीन से हो गए थे, पिगमेंटेशन हो गया जो। लेकिन जो है अभी भूख लग रही थी बहुत तेज, तो मैंने देखो ये बनाया है। ये देखो भाई ये है पोटैटो, गुजराती में बटाका, हिंदी में आलू,
मस्त। ये बेक्ड पोटैटो है, ये अवन में बनाते हैं और इसके ऊपर सीजनिंग डली हुई है, ये ऐसे ही खाते हैं। मैंने मेरे पास सार क्रीम है तो मैं इसके साथ खाऊंगा, तो बहुत बढ़िया लगता है। कभी आप ट्राई करिएगा इसको, 1 घंटे के लिए 410 डिग्री पे बेक कर देना है, बीच से काट के इसमें बटर लगा के अगर कोई सीजनिंग है तो डाल दीजिए, वरना ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। तो फटाफट इसको खाते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। अरे भैया दोस्तों, अभी बाहर निकले थे, ये देखो ये तो खतरनाक फॉल हिट होने लगा है यहाँ पे, तो पता ही नहीं चल रहा है कुछ। ये देखो एकदम से, एक दिन में, अभी 2 दिन पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, ये तो मैंने आज देखा यार, गजब यार। और नीचे देखो कैसे पत्तियाँ गिर रही हैं, फॉल हिट कर गया भाई, फॉल हिट कर गया। चलो ये अच्छा अपडेट आया, अब कनाडा और सुंदर लगेगा। और ये देखो, पता नहीं इसमें दिख रहा है कि नहीं, वो पेड़ देखो आधा काला है और आधा हरा है। अब मुझे नहीं पता ये एक पेड़ है कि दो पेड़ है, बट अजीब ही सा कुछ उसमें बना हुआ है सिस्टम। अभी तो देखो बस का वेट कर रहे हैं, आज ज़्यादा ब्लॉक किया नहीं, सुबह से सो रहे थे। तो जो है अभी आए थे वॉलमार्ट एक दो सामान लेना था, ऐसे छोटे मोटे कॉफ़ी ख़त्म हो गई थी एक्चुअली, तो कॉफ़ी लेनी थी और कॉफ़ी के साथ साथ एक चीज़ और उठा लिया, वो मल्टीप्लग होता ना वो उठा लिया मैंने, मुझे काम था उसका। अभी एक दो आइटम ऐसे उठाया, अभी ऐसे आए थे 5-10 मिनट के लिए, अभी जा रहे हैं वापस घर कुछ। कल जो है फिर केस पढ़ना है भाई, कल से फिर क्लासेस स्टार्ट हैं, और इस हफ्ते ज़्यादा जॉब वॉब का सीन है नहीं, कम घंटे दिए हैं मेरी मैनेजर ने, बट चलो बैठते हैं, चलो मिलते हैं फ्रेंड। हाँ तो फ्रेंड्स घर पर आ गए थे, और आज जो है कुछ बढ़िया खाने का मन करता। वैसे तो कल मेरा मंडे है, कल बहुत लंबा दिन है मेरा, लेकिन अपने से रहा नहीं जाता, कुछ ढंग का अच्छा बनाए बिना ना मन नहीं मानता है। तो आज देखो क्या बनाया, बहुत इंटरेस्टिंग सा है, बहुत टाइम बाद बनाया मैंने, देखो क्या बनाया आज। ये देखो भाई टेस्टी सा क्या बनाया आज, आज बना है तवा भाजी। जिसने जिसने खाई है भाई कमेंट करके बताओ, मस्त तवा भाजी। अभी पूरी प्रॉपर मतलब ये डेकोरेट कर दिया, अभी इसको ढंग से और वो करके दिखाएंगे अभी आपको थोड़ी देर में। तो आज तो ये खाना है भाई डिनर में, अभी एक कल तक तो चली जाएगी मुझे लगता है, काफ़ी बना लिए।